सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ईद की तैयारी की, मतलब जो मैंने तैयारी की है। सो यहाँ पे आप सबको मेरी ईद की तैयारी नज़र आ जाएगी। वैसे सबसे बड़ी ईद है ईद उल अज़हा, सो हमें उस पर सबसे ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। सो हम लोग उस पर कुर्बानी करते हैं और ये सब कुछ, तो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले मैं आपको अपनी एसेसरीज़ यानी अपनी ज्वेलरी आइटम्स या फिर कहूँ अपने जो भी मेरी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगी। सो पहले ही मैंने अपनी वॉच दिखा दी आप लोग को, वॉचेस जो मेरे पास है। सेकंड वॉच वो पहली थी और ये सेकंड है। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग वो कौन सी, टू कमेंट जल्दी कीजिए कमेंट। और ये है मेरा सबसे फेवरेट नेकलेस जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। तो अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको मैं अपना दिखाऊँगी माथा टीके में कलेक्शन, यानी जो मैंने अपने पास माथा टीका जो मैंने ख़रीदे हैं वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सो पहले मैंने वो डायमंड वाली ली थी, उसके बाद ये ली थी। आप लोग ऐसे ऐसे नज़र नहीं आ रही होंगी, तो मैं एक दफ़ा बिल्कुल क्लियर तरीके से रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं एक काम कर सारे निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक डिज़ाइन करके फिर मैं दिखाती हूँ। अब आप देखिए, अब आप बताइए कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी है। आई लाइक द डायमंड वन, आप लोग को कौन सी बताए डू कमेंट डाउन। और ये थी मेरी वॉचेस जो आपको थोड़ा सा मतलब कम लग रही होंगी, लेकिन ये और हैं मेरे पास। वही सबसे पहली मेरी ये वाली वॉच थी जो मैंने फर्स्ट ली थी। आई डू रिमेम्बर, मुझे पहले पता नहीं क्यों वॉचेज इतनी पसंद नहीं थी, उसके बाद फिर मैंने ये ग्रे वाली ली जो मुझे बहुत पसंद थी, हार्ट शेप। हालांकि मैं इसको आज भी पहनती हूँ, इसकी सेल ख़राब है लेकिन फिर भी चलता है, स्टाइल इज़ एवरीथिंग। और ये है मेरी थर्ड वॉच, फिर इसके बाद मुझे वॉचेस से प्यार हो गया और मैं लेती गई तो मुझे कभी कम नहीं पड़ी। मेरे पास इससे ज़्यादा है जो आपको नज़र आ रही है, उससे ज़्यादा मेरे पास वॉचेस हैं। और ये है नौशीन की जो कि है डियोर की, और ये है मेरी जो रोलेक्स ब्रांड की है, और ये मेरी सबसे फेवरेट है। और अभी टाइम 2:00 2:05, मैंने ये दोपहर को वीडियो शूट की थी। सो आई होप आपको मेरी वॉचेस कलेक्शन पसंद आई। आपको ऐसी चूड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी तो मैंने पहन ली। अब आप बताइए आपको कैसी लग रही हैं। वैसे मेरा सेट नहीं, ये मेरा बहुत पुराना सेट है। जैसा कि मैंने इस नेकलेस को पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। सो मुझे ये नेकलेस बहुत पसंद है और ये किसी भी ड्रेस के ऊपर लिटरली पहन लो तो बहुत सूट करता है, चाहे वो ब्लैक हो, ग्रे हो, ऑरेंज हो, कोई भी हो। सो मुझे तो ये बहुत पसंद है गाइस, आप बताइए आपको कैसा लगा। सो गाइस, अब देखिए आप ये खाली बॉक्स कितना कोई गंदा लगता है, डिसेंट सा। सो अब इसके अंदर हम लोग रखेंगे वॉचेस और मैं वन बाय वन ये सारी वॉचेस रखती जा रही हूँ। मुझे पहले डिज़ाइन ये पसंद नहीं आई तो मैंने चेंज कर दिया। तो अब ऐसे आप बताइए कैसे लग रहा है, या पहले बेटर लग रहा था, डू कमेंट डाउन। आई थिंक गाइस अभी अच्छा लग रहा है। सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरा नहीं नौरीन का सेट जो कि मुझे स्पेशली बहुत पसंद है कि इसके साथ माथा टीका भी था। तो अब मैं नौरीन का एक और सेट दिखाती हूँ, ये भी नौरीन का ही सेट है जिसमें नौरीन एक, इसके साथ माथा टीका नहीं था, इसके साथ जस्ट इयररिंग्स थे और एक सिंपल सा नेकलेस था। वैसे इयररिंग्स हमने अलग से परचेज़ किए हैं बट इसके साथ सूट करके परचेज़ किए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ सिंपल सा नेकलेस दिया था, नेकलेस जो कि नौरीन को बहुत पसंद था, सिंपल सा। और ये है मेरा नेकलेस जो कि बिना इयररिंग्स के है क्योंकि मेरी पियर्सिंग नहीं हुई थी। और ये है मेरा दूसरा नेकलेस जिस पे मैंने नौरीन के इयररिंग्स उठा लिए। गाइस, अब हम और आगे बढ़ते हैं और इन टॉप्स पे आते हैं। सो ये तीन जो टॉप्स हैं, स्पेशली जो ब्राउन वाला है, वो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉप में से एक है। तो अब हम और आगे चलते हैं और अब इस टॉप को देखते हैं जो कि मुझे पता नहीं कि बहुत अनलाइक है, यानी पसंद नहीं है मुझे इतना। तो ये इस पर एक तो कैमरा भी फोकस नहीं होता, आई थिंक कैमरा को भी नहीं पसंद, तो मैंने छोड़ दिया उसको। तो अब आगे चलते हैं, ये मेरी मम्मा के फेवरेट हैं, तो ये हैं मम्मा के फेवरेट रेड कलर के, और ये वही हैं जो नौरीन के नेकलेस के साथ पिछली दफ़े मैच हो रहे थे। और ये वही मतलब इयररिंग मैंने दोबारा आप लोग को एक और दफ़ा दिखा दिया ताकि आप लोग अच्छे से देख लें। और ये हैं मम्मा के सेकंड फेवरेट। सो अब इन टॉप्स की तो बात हो गई, अब इन टॉप्स के ऊपर आते हैं जो ये मेन हमारा टॉपिक होना चाहिए था। और ये टॉपिक मतलब इस टॉप्स के बारे में ये है कि नौरीन को बिल्कुल नहीं पसंद, उसने शायद एक दफ़ा पहने होंगे जो ट्राई किया होगा, उसके बाद उसने इन टॉप्स को लिटरली हाथ भी नहीं लगाया। उसको ये इतने नापसंद टॉप्स है, उसके कानों में बहुत चुभते हैं ये टॉप्स, तो उसको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद।
सो ये है मेरी मम्मा की लॉन्ग जो नाक में पहनते हैं आप लोगों ने मोस्टली लेडीज़ को देखा होगा पहने हुए नाक में कुछ। ये फर्स्ट थी और ये सेकेंड है, दोनों सेम डिज़ाइन में लेकिन एक छोटी एक बड़ी है। तो अब हम चलते हैं ब्रोचेस पे जो पहने जाते हैं, ये लगाए जाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे ब्रोचेस, अगर नहीं देखे तो मैं बता देती हूँ। हम लोगों ने ये लिए थे बलोची ड्रेसेस के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ईद पे जो है बलोची ड्रेस पहनूँ और मैं अपना आउटफिट का भी वीडियो बनाऊँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ नौशीन और नौरीन के जो बैंगल्स हैं, यानी जो चूड़ियाँ हैं, ये नौशीन और नौरीन के हैं। मैंने तो अपना सेट पहन लिया और मैंने आपको दिखा भी दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ये थी मेरी ईद की जो मैं एक्सेसरीज पहनूंगी। नेकलेस तो मैं पक्का यही वाला पहनूंगी, ब्लैक वाला, पहले मैंने बताया। बैंगल्स और वॉचेस में दोस्तों कोई एक पहनूंगी, तो आप कमेंट कीजिए कि मैं वॉचेस पहनूँ या बैंगल्स पहनूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।